ओके सो फायरबेस की मैंने एप्लीकेशन खोल ली है, अपना अकाउंट से लॉग इन हूँ और उसकी कंसोल के अंदर आ चुका हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो ऐड प्रोजेक्ट करें आप, ऐड प्रोजेक्ट के अंदर अपना नाम लिख दें। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिएक्ट फायरबेस, सही है। और उसके बाद जो है मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। ये कुछ हमें फीचर बताया कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी, क्रैश फ्री यूज़र्स, ए बी टेस्टिंग और इस तरह की चीज़ें, आप इसको कंटिन्यू कर दें। और उसके बाद जो है वो अपना सेलेक्ट अकाउंट करें, मेरे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मैं कर देता हूँ फायरबेस अकाउंट, और उसको मैं जो है वो क्रिएट कर देता हूँ। एनालिटिक्स टूल के लिए बेसिकली हमसे मांगता है, ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम देखेंगे आगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन कहाँ से हम ले सकते हैं और एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक रिएक्ट की एप्लीकेशन ऑलरेडी जो है वो इंस्टॉल कर ली है क्रिएट रिएक्ट ऐप के जरिए, एन पे क्रिएट रिएक्ट ऐप के जरिए, और उसके अंदर जो है मैंने ये अपनी कॉन्फ़िगरेशन करी है। लेकिन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि आप कैसे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर मैंने जो है वो एक यूटिल का फोल्डर बनाया हुआ है, जिसके अंदर मैंने एक फाइल बनाई हुई है फायरबेस इनिट की, सही है। और उसके अंदर मैंने फायरबेस की कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, जिसके ज़रिए हम फायरबेस के अपने डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। मैंने फायरबेस की लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है, npm फायरबेस, ये आप नेट से देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो है कॉन्फ़िगरेशन का एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, जिसके अंदर ऐप आईडी है और डोमेन है, डेटाबेस यूआरएल है, प्रोजेक्ट आईडी है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको मिलेंगी इस प्रोजेक्ट से। कहाँ से मिलेंगे अभी देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो गया है, ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दे रहा होगा, iOS, फॉर iOS, फॉर एंड्रॉयड और फॉर वेब। आप वेब पे क्लिक करें, ये आपसे जो है वो एप्लीकेशन का नाम आएगा। यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ सिंपल रिएक्ट फायरबेस, सही है। और ऑल्सो फायरबेस होस्टिंग भी चाहिए मुझे आखिर के लिए, जो मैं डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको रजिस्टर्ड ऐप, जब तक रजिस्टर्ड हुई जब तक हम देख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने जब एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद मैंने क्या करा कि फायरबेस डॉट इनिशलाइज ऐप का एक मेथड होता है इस लाइब्रेरी के अंदर, उसके अंदर हम इस ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे। जब वो ऑब्जेक्ट को पास करेंगे तो ये जो है वो हमारी फायरबेस को इस प्रोजेक्ट में इनिशलाइज कर देगा और हम इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकेंगे इंटायर द एप्लीकेशन। ये हो गया, ये SDKs जो है वो आपको डिफ़ाइन करने के लिए, आप इंडेक्स की फाइल के अंदर ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, आप जो है वो जब आप होस्टिंग करोगे तो आपको ये दो लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, npm install -g firebase tool, तो ये मैं अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा, मैं आपको बता दूंगा बाद में। और फायरबेस से लॉगिन होना पड़ेगा कमांड के ज़रिए, फायरबेस इनिट करना पड़ेगा और फायरबेस डिप्लॉय, ये तीन कमांड के ज़रिए आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय हो जाएगी। ये हम देखेंगे सबसे आखिर में। कंटिन्यू विद कंसोल किया, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन वेब के लिए जो है वो कन्फिग हो गई है फायरबेस के लिए। अच्छा, अब इसके अंदर जो है मैं जाऊँगा प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर, प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे जो है वो अपना इसकी कीज़ ना के देगा ए यहाँ पर। अब आप अगर कॉन्फ़िग करना चाह रहे हैं तो आप कॉन्फ़िग से कर लें, CDN का लिंक चाह रहे हैं CDN से कर लें। मैं बेइज्जती जो है वो कॉन्फ़िग से करता हूँ, ये पूरा ऑब्जेक्ट मैं उठाऊंगा, ठीक है, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर जो मैंने डिफ़ाइन किया था उसके ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगा, तो ये सिंपल हमारा ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर क्या होगा कि ये तो हमारा कॉन्फ़िग हो गया, ये एक फंक्शन बना के रख लिया मैंने जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ डिफरेंट जगहों पे फायरबेस इनिट का फंक्शन। अब इसके बाद मैंने क्या कहते हैं अपनी app.js की फाइल में गया और यहाँ पर मैंने क्या करा, सिंपल फायरबेस को मैं यहाँ पर निकालूंगा ताकि मैं देख सकूँ कि मेरा यहाँ डेटाबेस एक्सेस हुआ है कि नहीं हुआ। इम्पोर्ट, सही है। और यहाँ पर मैं जो है वो फायरबेस फ्रॉम यूटिल फायरबेस इनिट का मेथड निकालूंगा, ठीक है। कॉन्स्ट db इज इक्वल टू फायरबेस डॉट फायर स्टोर का एक फंक्शन है जो कि मुझे डेटाबेस मतलब उसके कलेक्शंस को करने देगा एक्सेस। मैं जाता हूँ क्लाउड स्टोर फायर स्टोर में, ठीक है, और क्लाउड फायर स्टोर में जो है वो मैं यहाँ से जाएगा और यहाँ पर एक जो है वो मैं बेसिकली एक कलेक्शन बना दूँगा ताकि मुझे पता चले कि हाँ मेरा फायर स्टोर जो है वो एक्सेसिबल है, जो मेरा क्लाउड फायर स्टोर है। अच्छा जी, यहाँ पर हम गए, यहाँ पर मैं जो है वो एक क्यूरी बना देता हूँ ताकि मुझे मिल जाए। हम करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट और इसके अंदर जो है वो फंक्शन चलाते हैं db.collection, सही है। कलेक्शन का नाम दे देता हूँ मैं डमी डेमो, सही है। और इसको मैं बेसिकली ऐसा करता हूँ कि फंक्शन फ़िलहाल मैं जो वो कंपोनेंट के अंदर ही बना रहा हूँ फंक्शन, लेकिन ये सब मेथड्स मैं बाद में डिफ़ाइन करूँगा एक सेपरेट फाइल के अंदर ताकि कस्टम फंक्शन ज़रिए हम डिफरेंट टेबल्स को रीच कर सके अपने फायरबेस के अंदर। फैच डेमो
ये कर देता हूँ मैं फ़िलहाल, और इसके अंदर इसको एसिंक करके और कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट करके यहाँ पर डेमो ले लेता हूँ मैं, कि मेरे पास डेमो का रिस्पॉन्स आ जाएगा। और मैं कंसोल डॉट लॉग रिस्पॉन्स डेमो कर दूँगा, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पर मेरा क्रिएट डेटाबेस किया मैंने, ठीक है। अभी मैं टेस्टिंग मोड में हूँ, तो यहाँ पर टेस्टिंग मोड में ये मुझे रीड राइट की देगा और डेट बता देगा कि इस डेट तक जो आपकी रीड राइट हो सकता है। एनी विद योर डेटा रेफरेंस विल बी एबल टू रीड राइट डिलीट इन योर रेफरेंस फॉर 30 डेज, 30 डेज के लिए वो रीड राइट कर सकता है। आफ्टर सिलेक्शन के नॉट चेंज लेटर ऑल्सो दिस यू इन सेटिंग इस लोकेशन टू योर डिफॉल्ट क्लाउड स्टोरेज बकेट। ओके, तो आप ये जो है वो अपनी लोकेशन यहाँ पर डिफाइन कर दें। मैं कर देता हूँ US सेंट्रल ही कर देता हूँ, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये हमारा बन गया है। मैं यहाँ पर एक कलेक्शन बनाता हूँ, डेमो थोड़ी कलेक्शन, डेमो का बन गया है। अब मैं अपना इसके अंदर जाके इस फंक्शन को रन करके देखता हूँ। इसको मैं भी हटा देता हूँ क्योंकि इस ऑपरेशन के ऊपर फ़ायदा नहीं है इसका, तो ये मुझे इसने रिज़ल्ट दे दिया। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, रिज़ल्ट इसने मुझे दे दिया कि फायरबेस चल रहा है। अब मैं काम करता हूँ, मैं इस आईडी को जो है वो क्यूरी के आगे जो है वो डॉग इस आईडी को सर्च करता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये सही दे रहा है रिज़ल्ट, ठीक है। और मैं ये करता हूँ कि डॉट डॉग डॉग डेटा, देखते हैं क्या देता है। ओके, नो सॉल्यूशन, सही है। इसके अंदर हम एक फील्ड ऐड कर देते हैं नेम की, जिसका नाम है जैन, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको दोबारा चला के देखता हूँ क्या देता है ये हमें। ओके, सही है, हमारे पास जो है वो कलेक्शन डॉट गेट, यहाँ पर हमने डॉट गेट नहीं लगाया, या एसिंक अवेट, यहाँ पर अवेट इसके नहीं चलेगा। हाँ, जो क्यूरी है, सही है, वर्निंग प्रॉमिस बिल्कुल सही है। इसको हम जो है वो इसके अंदर डिफाइन कर देते हैं, और सही है। अच्छा, अब डॉट डेटा और ये चलाओ, या तो हमारा डेटाबेस एक्सेसिबल है, हमारा कलेक्शन एक्सेसिबल है, हमारा डॉक्यूमेंट एक्सेसिबल है, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमने कॉन्फिग तो बेहतरीन तरीके से कर लिया है। अगली वीडियो में मैंने कुछ फंक्शंस बनाए हुए हैं, गेट का, गेट विद आईडी और इस तरह के अपडेट, वो सारे हम देखेंगे कैसे हम जब कस्टम फंक्शंस बना के इनको यूज़ कर सकते हैं। तब तक इसकी प्रैक्टिस करें, और मैं यही बोलूँगा कि जो भी चीज़ आप सीखें उसकी पहले प्रैक्टिस करें, लाजमी भले वो एक छोटा सा पार्ट हो या पूरी एप्लीकेशन हो, लेकिन आप प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप करें। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपना ख्याल रखेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। एंड वेट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।